आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राहुल गांधी के डंडे वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब, पीठ मजबूत करने के लिए जमकर करूंगा सूर्य नमस्कार। मुस्लिम लीडर वसीम रिजवी का बड़ा बयान, शाहीन बाग को भारत की धरती पर कलंक बताया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के राज में मॉब लिंचिंग, लोगों की भीड़ ने किसान को मार डाला। पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, एमपी में चौथे स्तंभ का गला खोजने का प्रयास। और शिवरात्रि पर 44 घंटे खुले रहेंगे महाकाल के पट, शिव नवरात्रि की शुरुआत 13 फरवरी से। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। राहुल गांधी के डंडे वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है और कहा, पीठ मजबूत करने के लिए मैं जमकर सूर्य नमस्कार करूंगा। संसद में पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह अधीर रंजन चौधरी भारत सरकार के फिट इंडिया स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दिया। इस दौरान विपक्षी नेताओं के साथ पीएम मोदी का रोचक संवाद हुआ। राहुल गांधी के उस बयान पर भी पीएम ने जवाब दिया, जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि 6 महीने बाद लोग पीएम को डंडे मारेंगे। पीएम मोदी ने कहा, मैं 6 महीने तक इतना सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को डंडे झेलने की आदत हो जाएगी। वही नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी के साथ भी पीएम मोदी का रोचक संवाद हुआ। जब पीएम बोल रहे थे तब चौधरी ने बीच में टोका तो पीएम ने जवाब दिया, अधीर रंजन चौधरी भारत सरकार के फिट इंडिया स्कीम को प्रमोट करते हैं, ये भाषण भी करते हैं और जिम भी करते हैं। यह सुनते ही सदन में ठहाके लगने लगे। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं, तो 6 महीने का समय तो अच्छा है। लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। वहीं जब पीएम मोदी बोल रहे थे तब विपक्ष के नेता महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगा रहे थे। इस पर चौधरी ने कहा कि यह तो अभी ट्रेलर है। पीएम मोदी का जवाब मिला, आपके लिए महात्मा गांधी ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए गांधी जी जिंदगी हैं। एक अन्य मौके पर जब चौधरी बोलने उठे तो पीएम मोदी ने कहा कि आप समय ले लीजिए और बोल डालिए, क्योंकि आप बार बार उठ रहे हैं तो ये पीछे वाले हंस रहे हैं, मैं नहीं चाहता आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़े। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और मुस्लिम लीडर वसीम रिजवी ने शाहीन बाग को भारत की धरती पर कलंक बताया है और कहा है कि सीए का जो लोग विरोध कर रहे हैं वे इंसानियत के खिलाफ हैं। सीएए को लेकर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश के अधिकांश लोग इसके समर्थन में सामने आए हैं। कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक के चक्कर में सीए का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीए को लेकर जिस शाहीन बाग के जरिए राजनीति की जा रही है, देश के प्रबुद्ध मुस्लिम लीडर भी अब उसके विरोध में सामने आ रहे हैं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने तो शाहीन बाग को
भारत की धरती पर कलंक बताया है और कहा है कि सीए का विरोध इंसानियत के खिलाफ है। रिजवी का कहना है कि कुछ गद्दार कट्टरपंथियों को छोड़कर हर हिंदुस्तानी को मोदी जी की हुकूमत पर गर्व है। शाहीन बाग भारत की धरती पर एक कलंक है। पाकिस्तान तालिबान से जो हिंदू अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान भागाए, उनको भारत नेशनलिटी क्यों दे रहा है? क्या इस बात का विरोध हो रहा है? क्या तालिबानी पैसों से जो लोग विदेशी हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, क्या इन हिंदुओं को वापस मरने के लिए तालिबान के हवाले कर दिया जाए? सीए का विरोध इंसानियत के खिलाफ है। कुछ गद्दार कट्टरपंथियों को छोड़कर हर हिंदुस्तानियों को मोदी जी की हुकूमत पर गर्व है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार आईफा अवार्ड करवाने में व्यस्त है। वहीं अपना पैसा वापस लेने गए किसानों के साथ गांव के लोगों ने मॉब लिंचिंग की है, जिसमें एक किसान की जान चली गई है और 5 अन्य घायल हो गए हैं। इस घटना ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। किसानों ने भीड़ से जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन इसके बावजूद एक व्यक्ति की जान चली गई। इस मामले में सबसे गंभीर बात यह रही कि पुलिस को इन किसानों ने सूचना दे दी थी कि वो मजदूरों से अपना पैसा वापस लेने जा रहे हैं। आईफा अवार्ड में व्यस्त कमलनाथ सरकार में भी कानून व्यवस्था की हालत चिंताजनक है। धार के मॉब लिंचिंग की घटना ने बता दिया है कि हालत कितने भयावह है। मजदूरों को बतौर एडवांस दिए रुपए लेने आए सांवेर तहसील के खेड़ा गांव के किसानों ने बुधवार सुबह 9 बजे तिरला थाने पहुंचकर सूचना दे दी थी। पुलिस ने उनसे कहा था कि तुम रुपए मांग लेना, विवाद मत करना। पुलिस ने किसानों की मदद करने की जहमत नहीं उठाई। इन किसानों को नहीं मालूम था कि बच्चा चोर की अफवाह फैलाकर उनके साथ जमकर मारपीट की जाएगी और इतनी मारपीट की जाएगी कि एक किसान दम तोड़ देगा। इनके वाहनों में तोड़फोड़ के साथ आग लगा दी गई। किसान एक मकान में छिप गए, लेकिन भीड़ ने दरवाजा तोड़कर उन्हें निकाला और बेरहमी से पीटते रहे। ग्राम खेड़ा के किसानों के साथ जिस तरह मारपीट की गई, उसके वायरल वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भीड़ के हाथ में लाठी पत्थर जो आया वह बरसाना शुरू कर दिया। पीड़ित जान की भीख मांगते रहे, लेकिन गुस्साई भीड़ ने मानवीयता की सारी हदें पार कर दी। एक एक किसान पर 200 से 300 लोग प्रहार कर रहे थे। पुलिस के 2 जवानों के आने पर भी भीड़ किसानों को पीटती रही। पुलिस बल ने पहुंचकर आंसू गैस के गोले छोड़े, भीड़ को तितर बितर किया, तब जाके हालात काबू में आ सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसानों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसमें से एक किसान ने दम तोड़ दिया। हम मजदूर के पैसे लेने आए थे यहाँ, और बस उन्होंने पथराव चालू कर दिया वहाँ पहुंचे। और सर वो हमारे यहाँ पानी वानी देने गेहूँ में इसमें आए थे दाड़की के लिए, तो वो वहाँ दाड़की कर रहे थे। घर से हम चले तेला थाने आए, वहाँ थाना पे सूचना दी थाना वाला साहब ने, और इनने बोला बोले चले जाओ, कुछ दिक्कत नहीं बुला रहे वो तो, पर मगज मारी मत करना सर, हमको गाड़ी में से नहीं उतरने दिया उन्होंने और पत्थर मारने लग गए। हम सर गाड़ी भगाई हमने, फिर पत्थर चालू करे तो आगे फ़ोन कर दिया, बोले बच्चे पकड़ने वाले हैं, तो वो आगे के गांव वालों ने सबने फिर पकड़ के मारा सर, बहुत पूरा गांव ही था सर। इस घटना के बाद नींद से जागे प्रशासन ने इस मामले में स्पेशल टीम बनाई है, जिसने 3 लोगों को पकड़ लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। विनोद मुकाती निवासी शुभपुर खेड़ा गांव तहसील सांवेर जिला इंदौर ने बताया कि मैं खेती करता हूँ, मेरे सहित मेरे ही ग्राम के गणेश तथा राधेश्याम डिम्बा, नरेंद्र शर्मा, जगदीश शर्मा व जगदीश चंद ने तिरला ब्लॉक के खिड़किया ग्राम के 5 मजदूरों अवतार जाम सिंह, महेश, राजेश व सुनील को 6-7 महीने पहले एडवांस के तौर पर हर एक को 50,000 रुपए दिए थे। ये 5ों हमारे यहाँ मजदूरी पर आने की बजाय गुजरात चले गए। जब इन लोगों से हमने रुपए वापस मांगे तो इन्होंने अपने ग्राम में रुपए लेने के लिए हमें बुलाया था। बुधवार सुबह 6 बजे हम 5ों के साथ रवि, शंकरलाल 2 कारों में सवार होकर खिड़किया के लिए निकले। हमें इलाके के बारे में जानकारी नहीं थी, तो हमने खिड़किया ग्राम के ही मुकेश लाल जो हमारे गांव में मजदूरी के लिए आया था उसको भी साथ बैठा लिया था। हम 7ों करीब सुबह 9 बजे तिरला पुलिस थाने पहुंचे। वहां पुलिस को अपने आने का कारण बताया। इसके बाद हम तिरला के करीब 8 किलोमीटर दूर खिड़किया गांव पहुंच गए, जहां पहुंचते ही 20-25 ग्रामीणों ने हमारा रास्ता रोक लिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। हम घबरा गए, जैसे तैसे कार पलटा कर जान बचाकर भागे। इसी दौरान खिड़किया के पत्थरबाजों ने आगे के गाँव में मोबाइल के जरिए झूठी सूचना फैला दी कि वाहनों में कुछ लोग 2 बच्चों का अपहरण करके भाग रहे हैं।
सूचना फैलते ही ग्रामीणों ने हमारा पीछा शुरू कर दिया। रास्ते में 3-4 स्थानों पर हमें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हम वाहन भगाते रहे। करीब 20 किलोमीटर दूर गांव बोरलाई में 150 से 200 लोगों ने सड़कों पर बाइक लगाकर हमारी कारों को रोक लिया। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा होना शुरू हो गई। हमने बचाव के लिए पास ही की एक दुकान में घुसकर दरवाजा लगा लिया, लेकिन भीड़ ने दरवाजा तोड़ दिया और बुरी तरह से हमारे साथ लकड़ी पत्थर डंडों से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद हम सब बेसुध हो गए। मनावर थाना प्रभारी युवराज सिंह चौहान ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ मौके पर वे पहुंचे और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को खदेड़ा। घायलों को अस्पताल लाया गया। गंभीर घायल गणेश को बड़वानी रेफर किया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। इन कार सवारों के साथ खिड़किया ग्राम का मजदूर मुकेश शंतरलाल भी था, जो गायब है। उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में अवतार सिंह, भुवन सिंह, जाम सिंह सहित 40 से 45 लोगों पर हत्या के प्रयास व बलवा का प्रकरण पुलिस ने दर्ज कर लिया है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश को तालिबानी प्रदेश बना दिया है। पीट पीट के लोगों की हत्याएं की जा रही है, पत्थर से कुचल कुचल के लोग मारे जा रहे हैं। धार की घटना में जो मुझे जानकारी मिली है, वो लोग जिनको मारा गया है पुलिस को सूचना दे के गए थे कि हम अपने पैसे लेने वहां जा रहे हैं, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन पुलिस सोती रही और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई जिसकी मध्य प्रदेश के इतिहास में मिसाल नहीं मिलती। आखिर कहां जा रहा है मध्य प्रदेश कमलनाथ जी? ये जंगल राज नहीं तो क्या है? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? सवाल खड़ा हो गया है। क्या पुलिस धर्म जाति और पंथ पूछ कर कार्रवाई करेगी? क्या पुलिस के हाथ बांध दिए गए? क्या कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी अगर कहीं कार्रवाई करते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका तबादला कर दिया जाता है, उनको सजाएं दी जाती है? क्या हो रहा है मेरे प्रदेश को? चारों तरफ तबाही है, जंगल राज है, और ऐसी घटनाओं पर चुप नहीं बैठा जा सकता। एक तरफ दलित नौजवान को जिंदा जला दिया गया सागर में, सारे अपराधी नहीं पकड़े गए, भावी पंथ देख देख के कार्रवाइयां होती है। मॉब लिंचिंग का शिकार हुए सांवेर के कृषक गणेश पटेल के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। सरकार ने भीड़ द्वारा की गई मारपीट में गंभीर घायल हुए 4 किसानों को इंदौर के चौधराम अस्पताल में भर्ती करवाकर बेहतर चिकित्सा के निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि जिले के खड़किया में किसानों को पैसे लेने के बहाने बुलाकर उनके साथ षड्यंत्र पूर्वक मारपीट की घटना ना सिर्फ निंदनीय है बल्कि सभ्य समाज के नाम पर कलंक है। तुलसी सिलावट ने धार पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर से इस संबंध में बात कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद धार पुलिस ने 30 दोषियों को चिन्हित कर 3 को गिरफ्तार भी कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महज एक अफवाह से गुस्साए लोगों द्वारा पीट पीट कर मार डालना एवं मौत की कगार तक पहुंचाना अत्यंत दुखद गंभीर घटना है। सिलावट ने कहा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार पीड़ितों को पूरी मदद एवं न्याय दिलवाएगी, साथ ही दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करके ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ये दुखद घटना है, ये हमारे समाज के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है। जो मध्य प्रदेश की आत्मा है, जो किसान है, किसान और मजदूर का रिश्ता एक भावनात्मक होता है। जिस प्रकार से इन 5 लोगों पर जो हमला धार जिले में हुआ, मुख्यमंत्री खुद इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, इसके जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। एसआईटी भी गठित की जा रही है, 3 कर दी गई है, 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, 3 लोगों को जो चिन्हित हो गए हैं, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। कम से कम 30 से 40 लोग चिन्हित हो चुके हैं, 30 से 40 लोग चिन्हित हो चुके हैं। कल से मैं इन सब के संपर्क में हूँ, जब से मैं धार सारे शासन प्रशासन से निरंतर चर्चा कर रहा हूँ। इनका इलाज
सरकार निःशुल्क कराएगी, जो एक दुखद घटना सांवेर की हुई है, उनको 2 लाख का मुआवजा भी, 2 लाख का मुआवजा भी हम दे रहे हैं। ये पर एक मुआवजा कोई एक उचित बात नहीं है। जिस परिवार का कोई व्यक्ति चला जाए, इससे दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती, उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, ये ईश्वर ही कर सकता है। और ऐसी घटनाएं कभी भविष्य में ना हो, इस पर भी हम सावधानी बरतेंगे। इस पर जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है सरकार करेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अब प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोटने की कुत्सित प्रयास कर रही है। सरकार चाहती है या तो सब उसके हिसाब से हो या मीडिया ही खत्म हो जाए। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा प्रदेश के पत्रकारों और उनके समाचार पत्रों को परीक्षण का डर दिखाकर भारत देश के गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सभी समाचार पत्रों को जारी होने वाले विज्ञापन की परंपरा को बाधित कर मध्य प्रदेश ने अपनी राष्ट्र विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कमलनाथ जी इन सभी समाचार पत्रों के माध्यम से हजारों परिवारों के रोजगार और आजीविका का पालन हो रहा है। सबसे पहले आपने पिछले 1 साल से पॉलिसी के नाम पर वेबसाइट का विज्ञापन बंद कर दिया और अब समाचार पत्रों को भी दबाने और कुचलने का प्रयास किया है। सरकार के मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आपातकाल की पुनरावृत्ति के कुत्सित प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं और अपने सभी मध्य प्रदेश के पत्रकार भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम और हमारी पार्टी आपका सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में आपके साथ हैं। पहले अन्य क्षेत्र थे, अब तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अखबारों को भी मीडिया को भी इसके लपेटे में ले लिया है। पहले उन्होंने वेबसाइट पर विज्ञापन बंद कर दिए, उसके बाद में उन्होंने छोटे मझोले अखबारों पर तालाबंदी की कोशिश की, अब जांच के नाम पर मीडिया समूह से कागजात मांगे जा रहे हैं। 26 जनवरी जैसे पवित्र दिन की भी विज्ञापन से कोई नहीं की गई। कमलनाथ जी की सरकार आपातकाल में जिस तरह से इंदिरा जी ने मीडिया को सेंसरशिप कर दिया था, उस तरह से अघोषित आपातकाल उन्होंने प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया जगत पर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पर किया है, जिसे मैं अच्छा नहीं मानता हूं। ये चाहते हैं कि ये जो बोले वही मीडिया बोले, ये जो कहे वही मीडिया कहे, जो चलाए वही मीडिया चलाए, जो संभव नहीं है। मीडिया अपने आप में स्वतंत्र इकाई है, इनका ये तरीका बहुत गलत है, चिंतनीय है। एमपी के मूल मुद्दों की बजाय सरकार इवेंट करने में व्यस्त हो गई है। आईफा अवार्ड मध्य प्रदेश में करवाए जाने के बाद अब इंडियन आइडल का फिनाले भोपाल में होगा, यह जानकारी जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने मीडिया को दी है। एमपी के जनसंपर्क और विधि मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मॉब लिंचिंग के कानून को लेकर वे गृह मंत्री से चर्चा करेंगे और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है इस पर जल्द एक्शन लेंगे। शर्मा ने ट्रिपल आईटी खोले जाने को भोपाल के लिए गौरव की बात कहा। शर्मा ने कहा आईआईटीए और आईआईएफए के बाद अब इंडियन आइडल का भोपाल में ग्रैंड फिनाले होगा। इंडियन आइडल का ग्रैंड फिनाले 20 फरवरी को टीटी नगर स्टेडियम में होगा, जिसमें हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कड़, विशाल ददलानी और बाकी फिनाले के पार्टिसिपेंट शामिल होंगे। टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल 11 का ग्रैंड फिनाले ये 20 फरवरी को भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। इसमें हिमेश रेशमिया, विशाल ददलानी और नेहा कक्कड़ सहित फाइनल के 15 प्रतिभागी इसमें रहेंगे। तो ये एक और एक के बाद एक तीसरी चीज़ यहाँ पे आ गई है मध्य प्रदेश में, जिससे हमारे जो कलाकार हैं, सिंगिंग कलाकार, निश्चित तौर पर उनको में प्रेरणा भी आएगी और उनको एक आगे जाने का एक मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार से किसान खासे नाराज हैं। बस्तर जिले के तोकापाल में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग ही जाम कर दिया है। यहाँ किसान अपना धान लेकर धान खरीदी केंद्रों के कई कई चक्कर लगा चुके हैं, मगर इनका धान खरीदने वाला कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भूपेश बघेल ने सत्ता में आने के लिए किसानों से बड़े बड़े वादे तो कर दिए,
मगर अब उन वादों को पूरा करने में कांग्रेस सरकार के पसीने छूट रहे हैं। राज्य का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां धान खरीदी में अव्यवस्था और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी नहीं करने को लेकर किसानों ने आंदोलन ना किया हो। अब बस्तर जिले के तोकापाल में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग ही जाम कर दिया है। यहां किसान अपना धान लेकर धान खरीदी केंद्र के कई कई चक्कर लगा रहे हैं मगर उनका धान खरीदने वाला कोई नहीं है। हम लोग धान लेके आए हैं मगर हमारा धान खरीदी नहीं हो रहा है। एक बार नहीं कई बार हो गया। किसान आके बोल रहे हैं मगर आश्वासन मिल रहा है सिर्फ कि बार धान आएगा आपका धान खरीदी होगा मगर किसान सवेरे टाइम से बिना चाय पानी पिए किराया घर के ट्रैक्टर में धान लेके आता है और उसके बाद यहाँ आने के बाद पता चलता है कि नहीं कि आपका धान खरीदी नहीं हो सकता क्योंकि बारदाना नहीं है। पुराना वाला बारदाना रखा हुआ है कम से कम उसमें तो ले उसमें भी नहीं ले रहे हैं। इससे किसान परेशान है कितना बार लाएगा और लेके जाएगा। इसीलिए जाके ना एसडीएम के पास गए ट्रैक्टर के पास गए जाके बोले मगर बात नहीं सुनी जा रही है इसीलिए किसान ने यहाँ आके चक्का जाम कर दिया। इधर बेमौसम बारिश ने भी किसानों की चिंता बढ़ा दी है। चुनावी वादे के मुताबिक 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी नहीं करने के परिणाम स्वरूप पंचायत चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है। बस्तर में तो 15 जिला पंचायत सदस्यों में से कांग्रेस सिर्फ 3 ही सीटों पर चुनाव जीत सकी है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी करने वाला जिला रोजगार अधिकारी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ये फर्जी अधिकारी फरार था जिस पर 10,000 का इनाम घोषित था। आरोपी अमित कुमार फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी कर रहा था जिसकी शिकायत हुई थी। जांच में सामने आया था कि जिस वर्ष की मार्कशीट के आधार पर वो नौकरी कर रहा था उस वर्ष वो महाविद्यालय का छात्र ही नहीं था। रीवा में फर्जी मार्कशीट के दम पर नौकरी करने वाला 10,000 रुपए का इनामी आरोपी जिला रोजगार अधिकारी अब हवालात में है। मामला थाना सिविल लाइन रीवा में फर्जी अंक सूची के आधार पर शासकीय सेवारत जिला रोजगार अधिकारी का है। चूंकि आरोपी राजपत्रित पद में कार्यरत था जो कि एक गंभीर मामला है, ऐसे फर्जी जिला रोजगार अधिकारी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे। सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि सेवारत जिला रोजगार अधिकारी अमित कुमार सिंह के शैक्षणिक प्रपत्रों की जांच करने और आरोपी को गिरफ्तार करने का दायित्व अलग अलग टीमों को सौंपा गया था। रोजगार अधिकारी के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि अमित कुमार सिंह आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा वर्ष 2001 की जिस अंक सूची के आधार पर शासकीय नौकरी में आया था वो पूरी तरह से फर्जी है। आरोपी अमित कुमार सिंह वर्ष 2001 में महाविद्यालय का ना तो छात्र था और ना ही विश्वविद्यालय में उसने एडमिशन लिया था। पुलिस की एक टीम लगातार आरोपी की लोकेशन लेती रही जिससे टीम को सफलता मिली और लोकेशन के आधार पर सीधी रीवा के बीच में मोनिया घाटी से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मिश्रा परीक्षा नियंत्रक है मॉडल साइंस कॉलेज के, इनके द्वारा वर्ष 2018 में माह जुलाई में थाना सिविल लाइन में सूचना दी गई थी कि अमित सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो उनके महाविद्यालय का छात्र भी नहीं था और उसने गलत तरीके से महाविद्यालय के रिकॉर्ड में हेराफेरी करवा करके अंक सूची प्राप्त कर ली है और उस अंक सूची के आधार पर वो सरकारी नौकरी कर रहा है। इस सूचना पर थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 554 धारा 420 467 468 471 भादाबी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध की विवेचना के दौरान पाया गया है कि अमित सिंह पिता आनंद सिंह निवासी घोघर, इसने वास्तव में साइंस महाविद्यालय में कभी एडमिशन नहीं लिया था, ये वहाँ का छात्र भी नहीं था और इसके कॉलेज के अटेंडेंस रजिस्टर देखे गए, अटेंडेंस रजिस्टर में इसका कभी नाम नहीं था, परीक्षा में भी नहीं बैठा था और उसके बाद भी इसने फर्जी तरीके से महाविद्यालय की मार्कशीट प्राप्त कर ली थी। जांच के दौरान आए साक्ष्य के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की तलाश की के प्रयास किए जा रहे थे और अभी हाल ही में दिनांक 5/2 को एक पुलिस की टीम द्वारा
मोहनिया घाटी में से गिरफ्तार किया गया। सिंगरौली पुलिस ने एक पेशेवर बाल अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसके पास दो मोटरसाइकिल सहित चार महंगे मोबाइल सेट बरामद हुए हैं। इससे अब तक चोरी के 3 मामलों का खुलासा हुआ है। बाइक और मोबाइल चोरियों के पड़ताल में जुटी कोतवाली पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने अलग अलग घरों से चोरी हुए करीब 1.5 लाख रुपए कीमत की 2 बाइक व 4 मोबाइल सेट बरामद करते हुए 3 अलग अलग चोरी के मामलों में शामिल पेशेवर बाल अपराधी खाहुल भट्ट को गिरफ्तार किया है। SP अभिजीत रंजन ने बताया कि आरोपी खाहुल के कब्जे से सामान बरामद कर धारा 457, 380 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पिछले 1 माह के दौरान कुछ चोरियां हुई थी, जिसमें एक मोटरसाइकिल गई थी और 2 प्रकरण में 2-2 मोबाइल जो हैं सैमसंग के और रेडमी के वो गए थे। लगभग 1.5 लाख रुपए मूल्य की चोरियां हुई थी। मैं बताना चाहूँगा कि विवेचना के क्रम में बरन की टीम को, पुलिस टीम को इसमें सफलता मिली है और एक बाल अपचारी जो है उसमें गिरफ्तार हुआ है और उसके पास से हमने ये सारी सामग्री जो है वो बरामद की है। ये बाल अपचारी पूर्व में भी इसके खिलाफ 6 मामले जो हैं शक्ति नगर में और बड़न में दर्ज रहे हैं। आदतन बदमाश है और रीवा में और रॉबर्ट्सगंज के बाल सुधार गृह में भी 1-1 वर्ष ये काट चुका है। अभी 1 माह पूर्व ही ये वहां से रिहा होकर के आया था। आरोपी खाहुल का चाचा रोहित भाट भी पेशेवर अपराधी है। उसे चोरी, राहजनी, लूट, मारपीट के कई मामलों के बाद जिला बदर किया गया था। खाहुल अब तक दर्जन भर से अधिक वारदातें कर चुका है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने बताया कि आरोपी मिर्जापुर रीवा में बाल अपराधी के रूप में सजा काट चुका है। बुरहानपुर के सेवा सदन कॉलेज में गुरुवार सुबह एक छात्र ने छात्रा के गले में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जाता है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले उनके ब्रेकअप हो गया था। कॉलेज पहुंचने के बाद छात्र ने छात्रा को मनाने का प्रयास किया। इसके लिए छात्रा को कॉलेज की 3री मंजिल पर ले गया। वहां किसी बात को लेकर विवाद बढ़ने पर गुस्से में छात्र ने छात्रा के गले पर चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके बाद खुद भी 3री मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, जिससे छात्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों छात्र छात्राएं सेवा सदन कॉलेज में बीकॉम 3rd ईयर के छात्र हैं। छात्र का नाम गणेश बताया गया है। जानकारी के मुताबिक गणेश मूलतः खरगोन जिले का रहने वाला है और काफी समय से बुरहानपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। ब्रेकअप के बाद गणेश छात्रा को कॉलेज की छत पर ले गया। वहां उनमें विवाद हुआ तो उसने छात्रा को चाकू मार दिया और खुद 3रे माले से नीचे कूद गया। घटना की सूचना मिलने के बाद कॉलेज प्रबंधन दोनों घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को इंदौर रेफर कर दिया गया। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। गांव के 4 बच्चे स्कूल के लिए तो निकले मगर स्कूल नहीं पहुंचे। इन बच्चों के माता पिता मजदूरी करते हैं। जब वो पूरा दिन मजदूरी करके वापस घर लौटे तो बच्चों को घर पर ना पाकर परेशान हो गए। आसपास पूछने पर भी जब बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने 100 नंबर पर इसकी शिकायत की। पुलिस ने सकुशल बच्चे तलाश लिए हैं। रात भर इन बच्चों को शरण देने वाले व्यक्ति को भी पुलिस अधीक्षक ने सम्मान किया है। सिंगरौली जिले सरई थाना के जामगढ़ी गाँव के 4 नाबालिग बच्चे लापता है। ये बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए निकले थे मगर वापस घर नहीं लौटे। मिली जानकारी के अनुसार ये बच्चे स्कूल जाने के लिए निकले जरूर थे मगर ये स्कूल भी नहीं पहुंच पाए। ये सभी बच्चे अगरिया वर्ग के बताए जा रहे हैं। उनके परिजन दिहाड़ी मजदूर हैं जो मजदूरी करने चले गए थे। जब शाम को मजदूरी करके लौटे तो अपने बच्चों को घर में ना देख उनकी आसपास खोज खबर की मगर कोई पता नहीं चला। तब बच्चों के परिजन ने डायल 100 को फोन लगाया। उनकी सूचना पर थाना प्रभारी सरई शंकरधर द्विवेदी ने तत्काल फरियादी की सूचना पर लिखित आवेदन लिया और 12 घंटे के अंदर बच्चों को ढूंढ निकाला। तफ्तीश में पता चला कि बच्चे पढ़ाई के डर से भाग गए थे, जो पास के ही जंगल में छुपे हुए थे। पुलिस ने चारों ही बच्चे ढूंढकर परिजनों के हवाले कर दिए हैं। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में सरई TI शंकरधर द्विवेदी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा स्थानीय निवासी हरिनारायण गुर्जर, जिन्होंने बच्चों को रात में शरण दी थी, उनके इस नेक कार्य को देखते हुए वह बच्चों को ढूंढने में सहयोग के लिए हरिनारायण को SP ने सम्मानित किया। काम हुआ जब ना कोई रहता है पता नहीं चला कहाँ के लड़के बचे कहाँ नहीं। 3 डूबते जब सब इकट्ठे हुए ना तो फिर स्कूल के बाजू साइड में और बगल में मतलब पड़ोसे में ये मतलब वहीं गए लड़के। जब गए ना तो वहीं काम करवाने के चक्कर में इतना उठो कोई बात रहा था
तो ये बोले कि भाई लड़के हैं। कल रात्रि में, जो बीती रात्रि है उसमें तकरीबन 12-1 बजे के मध्य डायल 100 के माध्यम से सूचना हमें प्राप्त हुई कि सरई थाना क्षेत्र अंतर्गत जमगढ़ी गांव से 4 नाबालिग बच्चे शाम के वक्त से गायब हैं। वो स्कूल का जाने का बोलकर गए थे लेकिन स्कूल भी नहीं पहुंचे और उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, घर भी वापस नहीं लौटे हैं। जैसे ही ये जानकारी हमें तत्काल लगी, हमारे सभी टीम जो है, पुलिस की टीम पूरी तरह से सक्रिय हो गई। जंगल में सर्चिंग का ऑपरेशन हमने चालू कर दिया और सुबह तक हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें बच्चों को उनका ही एक दोस्त है, वो बुलाने के लिए आया था स्कूल के लिए, लेकिन ये बच्चे स्कूल नहीं पहुँचे। मॉर्निंग में जंगल सर्चिंग के दौरान जो है, ये बच्चे हमें अपने घर से करीब 8-10 किलोमीटर दूर जंगल के पास, बंदा गांव के आसपास के जंगल में हमें प्राप्त हुए। और जब बच्चों से पूछताछ की गई तो बच्चों ने ये बताया कि स्कूल में एग्जाम न देने के डर से, स्कूल न जाने के डर से ये लोग घर से निकल गए थे और स्कूल भी नहीं पहुँचे और मार्ग भटक कर बंदा गांव तक पहुँच गए थे। पुलिस टीम को बच्चों ने ये भी बताया कि रात्रि में एक वहीं का स्थानीय गुर्जर व्यक्ति है जिसका गौशाला वहीं जंगल में है, उन्होंने इन बच्चों को शेल्टर दिया, बच्चों को ठंड से बचाव के लिए उन्होंने कंबल डाल करके। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर लगातार 44 घंटे मंदिर के पट खुले रहेंगे। महापर्व पर राजाधिराज महाकाल आम दिनों की अपेक्षा 1.5 घंटे पहले जागेंगे। 20 फरवरी की रात 2:30 पर मंदिर के पट खुलेंगे, तत्पश्चात भस्म आरती होगी, इसके बाद आम दर्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो निरंतर 22 फरवरी की रात 11 बजे शयन आरती तक चलेगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि शिव नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। इस बार भी 13 फरवरी से शिव नवरात्रि की शुरुआत होगी। भूत भवन भगवान महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि से प्रतिदिन भगवान का अलग अलग रूप में आकर्षक श्रृंगार होगा। उसके बाद 21 फरवरी को महाशिवरात्रि के लिए 20 फरवरी की रात 2:30 मंदिर के पट खोलेंगे तथा भस्म आरती होगी। सुबह 5 से आम दर्शन की शुरुआत होगी। दोपहर 12 तहसील की ओर से भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की जाएगी। शाम 4 होलकर व सिंधिया एस्टेट की ओर से पूजन किया जाएगा। इसके बाद रात 11 से रात्रि पर्यंत महापूजा होगी। पूजन उपरांत 22 फरवरी को तड़के 4 भगवान महाकाल का सप्तधान रूप में श्रृंगार कर उनके शीशस वामन फूल व फलों का सेहरा सजाया जाएगा। सुबह 10 तक भक्तों को सेहरे के दर्शन होंगे। सेहरा उतरने के बाद दोपहर 12 साल में एक बार दोपहर में होने वाली भस्म आरती होगी। रात 11 44 घंटे बाद मंदिर के पट बंद किए जाएंगे। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन सुबह 9:30 से दोपहर 1 तक विशेष पूजा अर्चना होगी। शाम को दोपहर 3 से संध्या पूजन तथा इसके बाद भगवान का विशेष श्रृंगार होगा। विशेष अभिषेक पूजन के समय गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश निषेध रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।